हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मायसेल्फ ज्योति लोइंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट रवा इडली और सांबर विद नो वेजीज का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और जितना कम सामग्री यूज कर सकते हैं उतना कम सामग्री यूज करके मैंने ये रेसिपी बनाया, जो खाने में भी उतना ही मजेदार लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर में एक कप मूंग दाल और एक कप चना दाल लिया है। आप चाहे तो अरहर दाल भी यूज़ कर सकते हो। और इन्हें अच्छे से धुला लिया है। अभी मैंने यहाँ 4 कप पानी दिया है। फिर हम देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक। और अभी इसको गैस पे चढ़ा देंगे 3 सीटी बजने तक। तो जब तक ये सीटी बजता है तब तक हम इडली का बैटर रेडी कर लेते हैं। एक बॉल में मैंने 1 कप सूजी लिया, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, थोड़ा सा नमक, और जिस कप में सूजी लिया था सेम कप में 1 कप गुनगुना पानी, आप धुआं देख सकते हो। अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर काफ़ी ड्राई है, तो अभी हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए बैटर का, और हम ये मीडियम कंसिस्टेंसी में ही रखेंगे क्योंकि हमारा बैटर और राइस होगा, और इसे 15 मिनट्स तक साइड में रख देंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम हमारा सांभर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा दाल गल चुका है 3 सीटी के बाद। तो अभी इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद 1 टीस्पून राई डालेंगे, और जैसे ही अच्छे से क्रैकल हो जाएगा या अच्छे से फटने लगेगा तो 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नेक्स्ट इसमें जाएगा ग्रीन चिलीज और 15-20 करी पत्ता। इन सारे चीज़ों को बस थोड़ी देर पकाएंगे, 15-20 सेकंड तक, और फिर इसमें डालूंगी लंबे कटे हुए प्याज। यहाँ मैंने एक बड़ा मीडियम साइज प्याज लिया था जिसे मैंने ऐसे लंबे साइज में काट लिया, और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये हल्का गुलाबी और सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो अभी हम देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से पकाएंगे जब तक इनका कच्चा स्मेल नहीं चला जाता। तो लगभग 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हमारा दाल, और 4 कप जितना पानी दिया मैंने एक बार अच्छे से मिलाएंगे। और मैं सांभर मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 5-6 टेबलस्पून इमली का पानी। तो इसके लिए मैंने बस थोड़े से इमली को 1/2 कप गर्म पानी में भिगा लिया था और उसे थोड़ा सा मसल लिया और छान लिया। इसी तरह से आपको इमली का पल्प मिल जाएगा, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें हल्का सा उबाल नहीं आ जाता। तो अभी आप देख सकते हो इसमें हल्का सा उबाल आ चुका है। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगातार और बॉइल आने देंगे 3-4 मिनट तक। और ध्यान रखिएगा इस स्टेज में हमें बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। आप चाहे तो पानी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अभी हम इसमें 6-7 फ्रेश करी लीव्स को चॉप करके डाल देंगे और एक बॉईल आने तक पकाएंगे। तो इसमें बॉईल अच्छे से आ चुका है। हमारा सांभर विथ नो वेजीज इज रेडी। तो देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना हमारा सांभर विथ नो वेजीज। और जैसे मैंने बनाया आप वैसे ही ट्राई कीजिएगा, और कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस कर दोगे तो आपको वो सांभर वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने बनाया आप वैसे ही ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा इडली। ये मैंने इडली ट्रे लिया है, और इसके प्लेट्स को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो 15 मिनट बाद ये रहा हमारा इडली का बैटर। यहाँ मैंने 1 पैकेट इनो लिया है, और मैं लेमन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। इससे ना एक बहुत ही अच्छा लेमन का खुशबू भी आएगा। अगर आप चाहे तो आप प्लेन वाला इनो यूज़ कर सकते हो। और इनो यूज़ करने से ना हमारा इडली बहुत अच्छे से फूलेगा और बहुत फ्लफी और सॉफ्ट होगा। इनो डालने के बाद हमें जल्दी से मिक्स करना है बैटर को, और ट्रे को फिल कर देंगे जल्दी से। इसमें हमें देरी बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी इडली स्टैंड को हम स्टीमर में 15 मिनट तक पकाएंगे। तो 15 मिनट्स बाद आप देख सकते हो हमारा इडली रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है हमारा इडली। तो सारा इडली मैंने निकाल लिया है अच्छे से। अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ।
तो ये देखिए कितना जालीदार बना है हमारा इडली और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बना है। तो मैं इसे एंजॉय करूंगी सांबर के साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।